गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करे थे, चैप्टर नंबर 3 के हमारे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव नाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ दे आर करेक्ट, पुट अ टिक मार्क नेक्स्ट टू द सेंटेंस। इफ दे आर इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट फॉर्म इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इनमें हमें अपोस्ट्रॉफी एस लगानी, यानी पॉजिटिव नाउंस बनाने। तो क्या करेंगे हम, अगर इनमें से वो वर्ड जो पॉजिटिव नाउन है गलत है तो उसको हम करेक्ट करके ब्लैंक में लिखेंगे। अगर वो सेंटेंस सही है तो उसके आगे टिक लगा देंगे। जैसे टुडे इज़ चिल्ड्रंस डे, तो इसमें क्या वर्ड गलत है, अपोस्ट्रॉफी एस, यानी कि चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस क्या है, प्लूरल, इरेगुलर प्लूरल नाउन है, तो इसके पीछे क्या लगना चाहिए, गलत है। तो उसको कैसे लिखेंगे, चिल्ड्रन अपोस्ट्रॉफी एस, चिल्ड्रंस। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन टीचर्स डे, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। तो इस पर हमने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया है, राइट का निशान लगा देंगे। राकेश डॉग लव्स टू प्ले इन अदर पीपल्स गार्डन। अब इसमें देखिए, राकेश सही है, पीपल्स इसमें एस ऑलरेडी लगाया इसलिए अपोस्ट्रॉफी बाद में लगाया, तो ये भी करेक्ट है। मेंदर्स फेवरेट डॉग इज द बैगल, तो इसमें क्या गलत है, मेंदर्स के आगे हमने क्या करा, उसको दोबारा लिखकर अपोस्ट्रॉफी एस लगाया है। जगन्स कैट रन अवे लास्ट समर, तो इसमें जो जगन्स है वो ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, उसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा एस से पहले। द आर्टिस्ट पेंटिंग वॉज सोल्ड ऑन मंडे, तो इसमें वर्ड आर्टिस्ट गलत है, प्रोसेस पॉजिटिव नाउन गलत है, तो हमने आर्टिस्ट को इसमें सही करके लिखा है। नाउ आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ द नाउंस गिवन इन द ब्रैकेट, वन इज डन फॉर यू। अब हमें कुछ वर्ड्स दे रखे, कुछ पॉजिटिव नाउंस दे रखे, उन पॉजिटिव नाउंस को हमें इस तरीके से ब्लैंक दिए होंगे, उनके अंदर हमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, जो ऑलरेडी हो चुका है, इसमें क्या देख रखा है, एवरी वन एग्जाम्स आर ओवर नाउ, तो इसमें हमने क्या लिखा है, एवरी वंस, क्योंकि इस वर्ड को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव नाउन बनाएंगे। क्या बनाएंगे इस वर्ड को हम, पॉजिटिव नाउन। आगे देखिए, मैनी एनिमल्स लिव इन इंडिया जंगल्स। अब इसमें पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इंडिया लिखकर आई एन डी आई ए अपोस्ट्रॉफी एस, इंडियाज जंगल्स। इसमें मोजेस रूम इज बेटर देन माय, तो मोजेस, इसमें अब जब हमें बताया गया था कि अगर हमें वर्ड के लास्ट में एस दिया होता है तो हम उसके बाद में अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, लेकिन उसके बाद में एस नहीं लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, एम ओ एस ई एस अपोस्ट्रॉफी, तो मोजेस। दिस इज सुबोध ओल्ड हाउस, अब सुबोध है तो कैसे लिखेंगे, एस यू बी ओ डी एच अपोस्ट्रॉफी एस सुबोस, तो हम सुबोस लिखकर इसमें लिखना है, हमें पॉजिटिव नाउन बनाएंगे। द डैश चिल्ड्रन प्लेग्राउंड इज ऑन द लेफ्ट, तो चिल्ड्रन दे रखा है तो हम कैसे लिखेंगे, सी एच आई एल डी आर ई एन अपोस्ट्रॉफी एस तो चिल्ड्रंस क्या बन गया, चिल्ड्रंस। देखिए, नाउंस विच इंडिकेट दैट समवन और समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग एज आर कॉल्ड पॉजिटिव। अगर वो नाउन जो हमें ये बताता है कि ये चीज़ या ये व्यक्ति किसी को बिलोंग करता है या किसी की चीज़ बिलोंग कर रही है उस व्यक्ति को, तो उसे हम पॉजिटिव नाउन कहते हैं। फॉर्म मैं बताई चुकी थी, नाउन प्लस अपोस्ट्रॉफी प्लस एस। एग्जाम्पल देख ली थी, द टेलर्स निडल, मधुस बुक। टू चेंज एन इरेगुलर प्लूरल नाउन इनटू अ पॉजिटिव नाउन, एस इज एडेड आफ्टर द प्लूरल नाउन। अगर इरेगुलर पॉजिटिव नाउन को हमने क्या करना है, पॉजिटिव नाउन बनाना होता है इरेगुलर प्लूरल नाउन को, तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैन में अपोस्ट्रॉफी एस लगा के मेंस रूम। टू चेंज रेगुलर प्लूरल नाउन दैट एंड्स इन एन एस इनटू अ पॉजिटिव नाउन, ओनली एन अपोस्ट्रॉफी इज एडेड आफ्टर द वर्ड। अगर हम किसी
रेगुलर प्लूरल नाउन को चेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे अगर एस से एंड हो रहा है वो वर्ड, तो उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं लास्ट में, क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रॉफी। ये देखिए हमने लगाया था ना अपोस्ट्रॉफी। अ प्रॉपर नाउन दैट इज ऑलरेडी इन द पॉजिटिव फॉर्म स्टेज द सेम। अगर एक कोई प्रॉपर नाउन है वो पहले से ही पॉजिटिव फॉर्म में, तो वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स बर्गर। सो स्टूडेंट वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड डू ऑल दिस वर्क इन योर कॉपीज सॉरी बुक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये सारा वर्क जो मैंने आपको करवाया है ये सब आपको आपकी बुक के अंदर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।